प्रिय दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग है कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष है या स्त्री है? तोता और मैना का यह प्रसंग है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से आपको अपने जीवन में जीने के लिए ढेर सारी प्रेरणा मिलेंगी। जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है, उसके जीवन में वो कभी भी धोखा नहीं खा सकता। इस कहानी से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, संसार में यूं तो हर कोई इंसान पाप करता है, परंतु पाप करने के बाद उसको यह पता ही नहीं होता कि वह पापी है और वह पाप कर रहा है। इस बात का उसे भान भी नहीं होता है, लेकिन संसार में हर मनुष्य पाप करता है। प्रिय दर्शकों, इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो रात दिन पाप करते हैं और पाप करने के बाद ये कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं। प्रिय दर्शकों, पाप का भागीदारी बनना यानी नरक का वासी होना होता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए जितना हो सके पाप से बच के रहे, अपने कर्म में कभी पाप को इकट्ठा ना होने दे, अपने नसीब में पाप का लेखा जोखा नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है वो यही है कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। यह एक तोता और मैना की बहुत प्यारी कहानी है। यह कहानी बहुत सुंदर और बहुत ही रोचक है। इस कहानी को सभी दर्शक ध्यान से सुने और इस कहानी पर हो सके तो जरूर अमल भी करें। प्रिय दर्शकों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा प्रसंग। एक नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा थे, बहुत ही पुण्यमान थे। प्रिय दर्शकों, उनके राज्य में हर इंसान राम राज्य की तरह जीता था। उस राज्य में कभी कोई इंसान पाप नहीं करता था। उस राज्य में कोई भी बंदा, कोई भी मनुष्य मांस मदिरा का सेवन नहीं करता था। मनुष्य बड़े सुख शांति से उस राज्य में जीवन व्यतीत करते थे। उस राज्य की, उस राजा की न्याय प्रक्रिया भी बहुत अच्छी थी। उस राजा को न्याय प्रक्रिया में भी दूर दूर के राजा मानते थे, उसका सम्मान करते थे। सभी लोग उस राजा की बड़ी तारीफ किया करते थे, क्योंकि वो दान पुण्य में सबसे ज्यादा विश्वास रखने वाला राजा था। प्रिय दर्शकों, उस राजा के पास एक तोता और एक मैना रहा करते थे। दोनों को एक ही पिंजरे में राजा रखा करता था। एक दिन की बात है, तोता और मैना दोनों एक ही पिंजरे में बैठे हुए थे। तोता मैना से कहता है, प्रिय, इस संसार में सबसे ज्यादा पापी स्त्री होती है। मैना कहती है, नहीं, स्त्री नहीं होती है, पुरुष सबसे ज्यादा पापी होता है। प्रिय दर्शकों, इस बात को लेकर के दोनों में वाद विवाद होने लगा। मैना कहती है, पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है, और तोता कहता है कि पुरुष नहीं, स्त्री सबसे बड़ी पापी होती है। इसी बात को लेकर के दोनों में विवाद चलने लगता है। प्रिय दर्शकों, जब जोर जोर से झगड़ा होने लगा तो राजा को जब पता चला तो राजा उन दोनों के पास आया और राजा दोनों से कहने लगा, तोता मैना, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? प्रिय दर्शकों, तब दोनों अपनी अपनी बात सुनाते हैं। मैना कहती है, देखिए राजा साहब, तोता मान ही नहीं रहा है कि संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। तोता कहता है कि राजा साहब, मैना नहीं मान रही है कि सबसे बड़ी पापी संसार में स्त्री होती है। दोनों की बात सुनने के बाद राजा कहता है, राजा मैना से कहता है कि मैना, अब आप सुनाइए, आप मुझे ये बताइए कि पुरुष सबसे बड़ा पापी संसार में कैसे है। प्रिय दर्शक को तब मैना एक छोटी सी कहानी सुनाती है और कहती है कि राजा साहब, एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का एक लड़का था और वह लड़का रात दिन जुआबाजी और सट्टा खेलता था। सेठ के खूब समझाने के बावजूद भी वह लड़का नहीं समझता था। अंततः सेठ उसको समझा समझा कर मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन वो लड़का नहीं समझा। प्रिय दर्शकों, मैना आगे कहती है, जब पिता की मृत्यु होने के बाद वो लड़का और भी ज्यादा अस्वतंत्र हो गया। अपने पिता की सारी जमीन, सारी जमा पूंजी को सट्टे में फूंक दिया। सट्टाबाजी में ही पूरी जमा पूंजी को लगा दिया और बर्बाद होकर के जमीन दौलत सब कुछ बेच करके बस सट्टेबाजी में लग गया और गांव छोड़कर निकल गया। जब वो लड़का गांव छोड़कर निकल जाता है तो दोबारा लौट करके उस गांव में नहीं आता है। घूमता घूमता वो एक नगर में पहुंच जाता है। उस नगर के राजा के महल के सामने जाकर के बैठ जाता है। राजा उस लड़के को देखता है और देखने के बाद राजा सोचने लगता है कि ये लड़का बड़ा सुंदर है। हो सकता है या तो कोई सेठ का लड़का हो या किसी राजा का लड़का हो। राजा इसी बात को सोचकर उस लड़के को अपने पास बुलवाता है। सैनिक उस लड़के को राजा के पास लेकर के जाते हैं। राजा उस लड़के से पूछता है, भाई तुम कहां से आए हो? दिखने में बड़े सुंदर हो, सीधे साधे लगते हो। तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुमको क्या परेशानी है? लड़का राजा को जवाब देता है। वो राजा से कहता है, राजा साहब, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। रास्ते में कुछ गुंडों ने, कुछ लुटेरों ने मिलकर के मेरा सामान लूट लिया है और मैं यहां पहुंच गया हूं।
प्रिय दर्शकों, उस लड़के की इतनी बात सुनकर राजा उस लड़के पर विश्वास कर लेता है। लड़का राजा से कहता है कि राजा साहब, मेरा सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने को भी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया है, मुझे मेरे गांव जाने के लिए भी पैसे नहीं है। राजा उस लड़के की बात पर विश्वास कर लेता है। लड़का कहता है, यदि राजा साहब आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें तो मैं अपने गांव तक जा सकता हूं और आपका बहुत ही भला होगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रिय दर्शकों, राजा लड़के के झांसे में आ जाता है। राजा सोचने लगता है कि लड़का व्यापारी है और बड़ा सुंदर भी है। उस राजा का कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। वो राजा सोचने लगा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य को ये लड़का बड़े आराम से संभाल सकता है, क्योंकि लड़का सुंदर भी है और ज्ञानी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। यही बात सोचकर वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपनी लड़की की शादी इस लड़के से करवा दूं और यह मेरा घर जमाई बन करके रह सकता है और आने वाले समय में यह मेरे राज्य को भी संभाल सकता है। यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है, बेटा मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है। प्रिय दर्शकों, लड़का यह बात को सुनकर मन ही मन में अंदर ही अंदर बड़ा खुश होने लगता है। लड़का राजा से कहता है, हां राजा साहब मैं तैयार हूं, यदि आपका हुक्म है, आपका आदेश है तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। प्रिय दर्शकों, राजा अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से करा देते हैं। काफी सारा धन दौलत और दास दासियां देकर अपनी पुत्री को उस लड़के के साथ राजा विदा कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, जब लड़का राजा की पुत्री को लेकर के जाता है तो रास्ते में उन्हें एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में वो लड़का उस राजा की पुत्री से कहता है, देखो अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का यह धर्म होता है कि वो पति की हर बात का पालन करे। लड़का कहता है, ये घना जंगल है और इस जंगल में लुटेरे बहुत ज्यादा होते हैं, इसी जंगल में मेरा भी सारा सामान लुटेरे लूट के ले गए थे, इसलिए आपके पास जितने भी गहने आपने पहन रखे हैं वो सारे उतार कर मुझे दे दीजिए, वरना लुटेरे यहां से लूट करके ले जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है और यह सदा से चला आ रहा है कि पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है। वो पत्नी भी अपने पति पर पूर्ण विश्वास करती थी, तो वो कहती है, ठीक है जी, यदि आप कह रहे हैं तो मैं अपने सारे गहने उतार करके आपको दे देती हूं। प्रिय दर्शकों, वो राजा की लड़की अपने सारे गहने उतार कर अपने पति को दे देती है। वह लड़का पत्नी के सारे गहने लेकर अपनी कमर में बांध लेता है। प्रिय दर्शकों, और राजा ने जितना भी धन दौलत दिया था उन सबको वो एक जगह इकट्ठा कर लेता है और रास्ते में आगे जाकर के वह विश्राम करने के लिए रुकते हैं। जब वह विश्राम करने के लिए रुकते हैं तो लड़का सभी दास दासियों को मार देता है और उस लड़की को पास ही में कुआं था उस कुएं में धकेल देता है और वहां से सारा सामान लेकर के भाग जाता है। लड़का सोचता है कि सबको मार दिया है, पत्नी को भी कुएं में धकेल दिया है, तो पत्नी भी खत्म हो जाएगी और अब मैं इन पैसों से बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा, खूब मैं जुआंबाजी करूंगा, खूब मैं सट्टा लगाऊंगा। यही सोच करके लड़का वहां से सारा सामान लेकर के भाग जाता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन उस लड़के की पत्नी कुएं में खत्म नहीं हुई। उसने एक डाल को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाती रही कि मुझे कोई कुएं से बाहर निकालो। प्रिय दर्शकों, रास्ते में कुछ लोग जा रहे थे, उन लोगों ने उस लड़की की आवाज सुनी और उस लड़की को कुएं से बाहर निकाल लिया। लड़की वापस अपने राज्य में पिता के घर पहुंच जाती है। उस लड़की का पिता उस लड़की से पूछता है और कहता है, पुत्री क्या हो गया, तुम वापस कैसे चली आई। वह लड़की कहती है, पिताश्री रास्ते में हमें कुछ गुंडे मिल गए थे और गुंडों ने हमारे साथ यह दुर्व्यवहार किया, सभी दास दासियों को खत्म कर दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति का कोई पता नहीं है। प्रिय दर्शकों, वह लड़की पतिव्रता थी इसलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को नहीं बताया। कुछ समय के लिए वह लड़की अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय निकलने के बाद वो लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, अपने ससुर के राज्य में आता है। प्रिय दर्शकों, वह जितना भी धन लूट करके ले गया था उसने सब कुछ जुआबाजी सट्टाबाजी में उड़ा दिया था। जब एक भी पैसा उसके पास नहीं बचा तो वो लड़का फिर से अपने ससुर के पास आता है। वो सोचने लगता है कि अपने ससुर से जाकर यह कहूंगा कि ससुर जी आप नाना बनने वाले हैं। इस बात को सुनकर ससुर जी मुझे फिर से बहुत सारा धन देंगे और इस धन से मैं फिर से अय्याशी करूंगा। यही सोचकर वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, लेकिन उस लड़के को द्वार पर ही उसकी पत्नी मिल जाती है। वह लड़की अपने पति को देखकर पहले तो थोड़ा गुस्सा होती है और बाद में अपने पति को बुलाकर कहती है,
देखो जी, मैंने अपने पिता को ऐसी कोई बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिता से यह कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया है और दास दासियों को मार दिया है और मुझे कुएं में धकेल दिया है और मेरे पति का कुछ पता नहीं है। यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। प्रिय दर्शकों, लड़का अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है। सोचने लगता है कि मेरी पत्नी तो वास्तविकता में पतिव्रता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन कुत्ते की पूंछ को कितने वर्ष भी आप सीधा करके रखो, लेकिन वह टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती। इसी तरीके से यह लड़का भी कभी सीधा नहीं हो सकता। यह लड़का फिर से राजा के पास जाता है और पत्नी ने जो बात कही है वही बात राजा से कहता है। प्रिय दर्शकों, लड़के की बात पर राजा विश्वास कर लेता है। प्रिय दर्शकों, लड़का अपनी पत्नी से फिर से कहता है कि देखिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको लेने के लिए आया हूं। आपको कल सुबह ही प्रातःकाल ही मैं यहां से लेकर जाऊंगा। आप तैयार रहिएगा। अब आप जाकर सो जाइए। प्रिय दर्शकों, सारे घर वाले सो जाते हैं, राजा सो जाता है, उसकी पत्नी सो जाती है। वह लड़का आंधी रात को उठता है और राजा की तलवार से राजा की गर्दन काट देता है, अपनी पत्नी की गर्दन काट देता है। सभी को मारने के बाद वहां से काफी सारा धन लूट करके लेकर चले जाता है। प्रिय दर्शकों, इतनी बात मैना राजा को कहती है। राजा मैना की इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद तोता एक कहानी सुनाता है। तोता भी कहता है कि राजा साहब, मेरी भी एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। तोता त्रिया चरित्र के बारे में राजा को कहानी सुनाता है। त्रिया चरित्र की संपूर्ण कहानी राजा के समक्ष रखता है। तोता कहता है, बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उसकी राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 12 या 13 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। राजा उसकी शादी कर देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार मात्र 14 वर्ष का था। तभी उसकी शादी कर दी। राजा भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को अब राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजा ने कई शादियां की थीं और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र को राजा बना देता है। उसकी शादी हो चुकी थी और एक नहीं, राजकुमार की 7 शादी हो चुकी थी। राजकुमार की भी 7 रानियां आई हुई थीं। वह राजकुमार जो कि राजा बना था, अपना पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारीन मिली। वह पनिहारीन भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारीन ने राजकुमार से पूछा कि हे राजा, आप रोज कहां जाते हैं? वह राजकुमार कहता है कि मैं रोज पढ़ने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूं। पनिहारीन कहती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए, आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं। पनिहारीन कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ो। राजकुमार कहता है कि ये त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारीन ने कहा कि आप ये बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाई। इतना बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। वह पनिहारीन की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थीं। वह अपने गुरु को जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा, क्या हुआ? आज तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाई? ये बात आपने क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? गुरु कहते हैं कि बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, इसकी चिंता आप ना करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे, आप केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाइए। गुरु कहते हैं कि ठीक है। गुरु उसे त्रिया चरित्र पढ़ाने लगते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार के 1 साल हो गए और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव,
राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें एक ऐसा गुटका देता हूं, ये गुटका जब तुम अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह गुटका अपने हाथों में ले लेता है और गुरु ने कहा, इस गुटका को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही के रात में अपने महल से निकल करके जंगल के तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना, और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह गुटका अपने कान में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। वह राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। वह गुटका लेकर राजकुमार अपने महल आ जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं तो उस राजकुमार की सातों पत्नियां सो जाती हैं। आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में गुटका लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। वह राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में गुटका लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि वहीं पनिहारीन जो मुझे रास्ते में मिली थी, जिसने मुझे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो, कि वहीं पनिहारीन एक थाली में खाना लेकर आधी रात्रि को जा रही है। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारीन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि ये तो वही पनिहारीन है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो, लेकिन पनिहारीन उस राजा को नहीं पहचान पाई क्योंकि राजा के कानों में गुटका लगा हुआ था। गुटका लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि ये आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारीन उस कुटिया में उस साधु के वहां पहुंचती है। उस बाबा के पास एक जादू की पोटली थी, वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप करके देख रहा था कि वह पनिहारीन और ओ बाबा क्या करेंगे। साधु ने उस पनिहारीन से कहा कि अरे पनिहारीन, पहले तो मुझे यह बता कि आज आ जाने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर वह पनिहारीन कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा गहना हो चुका है और हमारे पति हमें ले जाने के लिए आए हैं, हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई और यहां आने में भी देर हो गई। जब ये बात साधु ने सुना कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो वह साधु कहता है कि हे पनिहारीन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो तो हमारे पास क्यों आई, चली जा यहां से। पनिहारीन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूं। तो साधु कहता है कि हे पनिहारीन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारीन से कहता है कि हे पनिहारीन की, जाओ अपने पति के गर्दन काटकर यहां लेकर आओ, जाओ अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है, तब मैं तुम्हें रखूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे वो पनिहारीन चाकू लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है, और उसका पति सो रहा था, वह जाकर अपनी पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है, और जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहां लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया। साधु ने उसे लात मारी और कहा, भाग जा यहां से, जब तू अपने पति की नहीं हो सकी जिसके साथ तूने फेरे लिए हैं, तू मेरी क्या होगी, जल्दी भाग जा यहां से, अगर तू मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारीन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर के आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। रात में उस पनिहारीन की सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले उस पनिहारीन के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए, और वह पनिहारीन पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी। और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारीन रोती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं तो सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी।
राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, और खसम मार के सती हुई राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारिन समझ जाती है। पनिहारिन कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। पनिहारिन कहती है कि जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। राजकुमार कहता है, क्या बताओ? पनिहारिन कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो उस चटाई को झाड़कर बैठिएगा। राजा कहता है कि यह पनिहारिन क्या कह रही है, मैं तो राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनिहारिन कहती है कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़कर बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवा के अपने घर को आ जाते हैं। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वही गुटका कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा कि उसकी सातों पत्नियां भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी बाबा के कुटिया की तरफ जा रही हैं। जैसे ही राजा ने अपनी सातों पत्तियों को उस बाबा के कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार अपने मन में सोचने लगा कि ये क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाए क्योंकि राजकुमार अपने कानों में गुटका लगाए हुए थे। वह गुटका लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि हे लड़के, इतनी रात को यहां क्यों खड़ा है, चल हमारी ये थाली लेकर के उस कुटिया तक पहुंचा दे। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपने रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब सातों रानियां राजकुमार के साथ उस बाबा की कुटिया में पहुंचती है, राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे में और हमारे महल में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियां इस बाबा के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानियां भी यहां आ रही हैं। वह राजकुमार छुप करके सब जानना चाहता था। इधर जब वो सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि ये कौन है। तो सातों रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आए। रानी कहती है, एक काम करते हैं, इसे आज रात यही रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि जाओ, आज के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। वहां शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे इस चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेले पड़ जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। फिर राजा कहता है, चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था कि उसे पनिहारिन की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि पनिहारिन ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। राजा ने जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक के देखा है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहां कैसे आ गए। राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहां से भाग जाइए, हम तो यहां से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहां से भाग जाइए।
नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर ये साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाइए। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपने कान में से गुटखा निकाल लिया था, और जब राजा वहां से भागा तो अपने कान में गुटखा लगाना भूल ही गया। राजा को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानियां कहती हैं, ये तो हमारे पति हैं। रानियां उस महात्मा से कहती हैं कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये तो हमारे पति हैं और वह भागे जा रहे हैं, उन्होंने हमें यहां देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। वह साधु कहता है कि तुम यहां क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़कर लाओ। वह सातों रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन वह राजा जो था इतना तेज भागा कि वो अपने महल जा पहुंचा। रानियां घबरा गईं, रानियों के तो होश उड़ गए। रानियां फिर वापस उसी बाबा के पास आती हैं और बाबा से कहती हैं कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वो हमारी जान ले लेंगे। हे महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाके वह साधु उन रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम महल जाओ तो अपने पति को बहला फुसला कर उसके माथे में ये कील ठोक देना। यह जादुई कील तुम्हारे पति को भेड़ बना देगा और तुम सातों मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगी और तुम सातों रानियां बच जाओगे। सातों रानियां तैयार हो जाती हैं। वो सातों रानियां साधु की बात मान लेती है और जादुई कील लेकर महल आती है। वह सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वह छह रानियां मिलकर जादू वाला कील छोटे रानी को दे देती है और कहती हैं, ये लो तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सर में ये कील ठोक देना। वह छोटी वाली रानी कहती है कि ठीक है। वह कील छोटी वाली रानी ले लेती है। जब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे ये बताओ कि हमारे राज्य में और हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाते हो, इसका क्या कारण है, पहले तुम मुझे बताओ। तो सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं कि महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसे बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा। राजा अपनी सातों पत्तियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, सबसे छोटी रानी राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजा सो गया तो वह छह रानियां भी वहीं आ जाती हैं। सबसे छोटी रानी जो थी वो जादुई कील निकालती है और राजा के सर में ठोक देती है। छोटी रानी ने कील जैसे ही ठोका, राजा पूरा तेजी से उठा, लेकिन उतने समय में वो भेड़ बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्तियां नहीं थी कि उन रानियों से मुकाबला कर सके। वह सातों रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा, अपनी महल की खिड़की से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि हे गुरुजी, मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि हे बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रियाचरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है, अब सीखो त्रियाचरित्र, देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी ही पत्नी ने मेरे सर में जादुई कील ठोक दी है, जिसकी वजह से मैं भेड़ बन चुका हूं। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि वही कील है जो वह साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूं, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तो अब गुरु कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या गुरुदेव? वह गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवाल राजा के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहना, क्योंकि सुखवाल राज्य में वह साधु का जादू नहीं चलता है। वह राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। वह गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं।
और वो तोता बनने के बाद वो वहां से उड़ा और सुखवाल राजा के राज्य में चला गया। जहां पर बहुत सारे तोता रहते थे वहीं जाके रहने लगा और सातों रानियां उस राजकुमार को खोज रही थीं। जब राजकुमार नहीं मिला तो वह फिर से उस बाबा के पास जाती हैं और कहती है कि बाबा जी, वह राजकुमार तो भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहां है। वह महात्मा अपनी पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार तोता बनकर के सुखवाल राजा के राज्य में रह रहा है। वह साधु ये सारी बात रानियों को बताता है तो रानियां कहती हैं कि हे स्वामी, अब क्या करें। वह साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर के घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ करके लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। वह सातों रानियां अपने महल पहुंचती हैं और वहां पर घोषणा कर देती है कि सभी बहेलियां से कह दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने बहेलियां थे तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़ते लेकर के रानी के पास जाते और 5 सिक्के लेते और वहां से चले जाते। और वह सातों रानियां उस तोते को मार देती। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और यह राजकुमार जो तोता बनकर जहां गया था वहां सारे तोताओं से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोता को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, यह तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोता मिलकर के उसे राजा बना लेते हैं। वह राजकुमार सभी तोताओं का राजा बन जाता है और वहीं छुपकर रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवाल राजा के राज में पहुंच जाता है और वह उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर छुपकर रहता था। जब उस बहेलिए ने इतने सारे तोते को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है कि हम इतने सारे तोताओं को पकड़ेंगे कैसे। जिस पेड़ पर वह तोता रहते थे वह पेड़ गोंद वाला था। जैसे ही सुबह हुआ उस पेड़ से सारे तोता उड़कर दाना पानी के लिए बाहर चले जाते हैं और इधर बहेलिया क्या करता है, अपने चाकू से पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देता है जिससे कि पेड़ से बहुत सारे गोंद निकल जाते हैं। पेड़ के चारों तरफ गोंद ही गोंद हो जाते हैं। अब बहेलिया सोचता है कि जब भी वो सारे तोते आएंगे, इस पेड़ पर बैठेंगे, वो सभी इस पेड़ में चिपक जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें पकड़कर लेकर चला जाऊंगा। बहेलिया वहीं छिप करके देखने लगा और जब शाम हुआ सारे तोता वापस आए और वह तोता जैसे ही पेड़ पर बैठे सभी का पैर उस पेड़ में चिपक गया क्योंकि पूरे पेड़ में गोंद ही गोंद लगा हुआ था। अब तो सारे तोते परेशान हो गए, उसमें राजकुमार भी जो तोता बना हुआ था वो भी चिपक गया था। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं, क्योंकि सारे तोते राजकुमार को अपना गुरु मानते थे, कि आप कुछ भी सोचो, हम सबको बाहर निकालो, नहीं तो सुबह तक वो बहेलिए आएगा और हमें पकड़ कर लेकर चला जाएगा। वह राजकुमार कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता ना करो, जब वो सुबह बहेलिया आएगा तो तुम सभी ऐसा करना कि उस बहेलिया को लगे कि सारे तोते मर चुके हैं और जब सभी तोते को पेड़ से छुड़ाकर नीचे फेंक दे तो सभी उड़कर भाग जाना। सभी तोता कहते हैं, ठीक है गुरुदेव। सुबह हुआ, जैसे ही बहेलिया पेड़ के पास पहुंचा सभी तोता ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वो सभी मरे हुए हैं। जब बहेलिया तोतों को देखा तो सोचा कि अरे क्या हो गया, ये तो सभी मर गए, अब हमें सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहेलिया ने सोचा कि चलो अब इन्हें छुड़ा ही देते हैं, इतना तो उपकार इन पर कर ही सकते हैं। बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और उनको छुड़ा छुड़ा कर नीचे फेंकने लगा। बहेलिया ने सभी तोते को छुड़ा कर नीचे फेंक दिया लेकिन जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे ये क्या हुआ, इस पर तो सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा लटका हुआ है और जितने तोते को मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, इसका मतलब ये सारे तोताओं ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब वह राजकुमार जो था, जो तोता बना हुआ था, वही सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है कि यह सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वह बहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता कहता है, जो कि राजकुमार था, वह बहेलिया से कहता है कि तुम मुझे कहां ले जा रहे हो। तो वो बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूं, अगर मैं तुम्हें वहां बेचूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। वह राजकुमार कहता है,
कि मैं अगर तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दिलाऊं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे? बेहेलिया कहता है, तुम्हें बेचना तो है ही, लेकिन तू मुझे 50,000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा? वह तोता कहता है कि राजा सुखवाल के यहां एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वहीं बेच दो, मोल में स्वयं बताऊंगा। वह बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह वो सुखवाल राजा के राज्य में उसके मेले में तोता को बेचने चला जाता है। और सुखवाल राजा के राज्य में ये नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक ना बिके तो वह राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। वह बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब भी कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता कि ये कितने का है, तो बहेलिया कहता है कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वो तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गया। अब शाम हो गया था, सभी अपने अपने दुकान लेकर चले गए, सभी का दुकान उजड़ गया था, बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलियों से कहते हैं कि हे बहेलिया, तुम्हारा ये तोता क्यों नहीं बिका, तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो वह तोता कहता है कि जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं कि अरे ये तोता तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। वह सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है, वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह तोता अपना मूल्य कितना बता रहा है, तो सिपाही कहते हैं कि अपना मूल्य 50,000 सोने के सिक्के बता रहा है। राजा कहता है कि चलिए हम स्वयं चलकर वह तोता खरीदेंगे, अगर हम उसका तोता नहीं खरीदेंगे तो हमारी बदनामी होगी। कि राजा के बाजार में वह तोता नहीं बिका और वह नाराज होकर चला गया। वह राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पे सवार होकर बाजार में पहुंचता है। राजा बहेलिये से कहता है कि बहेलिया इसका क्या मोल है? बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब, अपना मोल तोता स्वयं बताएगा। वह राजा फिर तोते से पूछा तो तोता कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा अपने सिपाहियों से 50,000 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलियों को पकड़ा देता है और तोता को लेकर अपने महल चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वह राजा था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पे कोई खतरा आने वाला होता तभी वो तोता बता देता कि राजा साहब, आप पे ये खतरा आने वाला है। राजा भी उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानियों को पता चली कि राजा एक ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि तोता बोलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहती हैं कि उस तोता को मेरे पास भिजवा दीजिए, हम भी उस तोता को देखना चाहते हैं, हम भी उस तोता से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कह के वह तोता रानियों के पास भिजवा देता है। वह रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। वह रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है कि वाह रे तोता, इसीलिए तुझे राजा साहब ने 50,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। वह रानी की एक पुत्री थी जो कि बड़ी ही सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि हे पुत्री, आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखोगी और कल तुम इसे अच्छे से धोकर नहला देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुआ, राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है। जब राजकुमारी उसे नहला रही थी तो उसने देखा कि इसके सर में एक कील ढंसा हुआ है। राजकुमारी उस कील को निकाल देती है। राजकुमारी जैसी ही कील को निकालती है, वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी उसे देखकर घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस से मेरे सर में ठोक दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी वह कील राजकुमार के सर में ठोक देती है। तुरंत ही वह राजकुमार तोता बन जाता है। रात को वह राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है। वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, यह दास्तान तुम किसी को बताना नहीं, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपने माता और पिता को नहीं बताती है। दिन भर समय बीतता तो रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती
और उसके माथे से कील निकाल देती। वह राजकुमार बन जाता और रात में वो दोनों साथ में ही रहते और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को उस राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार के पत्नियां थीं, वो बहुत सारे तोते खुजवा खुजवा कर मरवा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वो उन्हें नहीं मिलता है। फिर वह सातों राणियां उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारे। वह साधु फिर से अपनी पोटली खोली और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बनके उसी राजा के घर में रह रहा है। वह साधु उन सातों रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम नृत्य कला सीखो, हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पे प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीता, साधु तबला बजाता और सातों रानियां नृत्य कला सीखती। वह पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। वह साधु का भेष बदल करके उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बना करके राजा सुखवाल के दरबार में पहुंच गया। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। वह साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं, गाना चाहते हैं। राजा सुखवान को भी गाने बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज तोता के कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि वह साधु हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदलकर यहां पर आ गया है, अब हमारी जान नहीं बचेगी। जब रात हुआ तो राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है, उस तोते के सर से कील निकालती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है, कहता है कि देखो, जो ये गाने बजाने वाले आए हैं ये वही साधु हैं, यह गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजकुमार बोले कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना, जब राजा स्वयं ही मुझे लेने आए तब पर भी तुम मुझे मत देना, कह देना कि मैं इस तोता को नहीं दूंगी और जब राजा ना माने, राजा तुमसे जिद करें और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर के पिंजरे को फेंक देना, उसके बाद अपने बचने का रास्ता हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती है कि ठीक है। वहां पूरी रात गाना बजाना हुआ तो राजा परेशान होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है, जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। वह मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि यह तोता मुझे दे दो। राजकुमारी कहती है नहीं, मैं तोते को नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहां भेज दो, वो आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं ही आता है उस तोते को लेने के लिए। वह राजा जाकर कहता है कि बेटी, यह तोता मुझे दे दो, यह नृत्य कला वाले को देना है जो रात भर यहां गाना बजाना किए हैं, ये उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगी। राजा क्रोध में आकर कहने लगा कि बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है, जैसे कि राजकुमार ने उसे कहा था। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वह टूट गया और तोता जो था वह सरसों का दाना बन गया। ये देखते ही साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को चुगने लगता है। उसमें से जो एक दाना था वह स्वयं ही राजकुमार था। वह डगर करके एक नाली में जाकर गिरता है। जैसे ही वह दाना नाली में गिरता है वो राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपट्टा है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह बाज उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते से कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। वह राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूं और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इनसे शादी करना चाहती हो। राजकुमारी कहती है कि हां पिताजी,
मैं इनसे प्रेम करती हूँ। राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और जो उनकी 7 पत्नियां थीं, उनको पकड़वाकर बंदीगृह में बंद करवा देता है। तोता कहता है, महाराज अब आप ही बताइए कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष है या स्त्री है। दोनों की कहानी सुनने के बाद राजा इस निर्णय पर पहुंचता है। राजा दोनों से कहता है, देखो अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर दो, अब इस बात का निर्णय हम करेंगे कि संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री है या पुरुष, कौन है संसार का सबसे बड़ा पापी। राजा सभा बैठा लेते हैं और सभा में इस बात को रखते हैं। राजा सभी मंत्रियों के सामने इस बात का फैसला सुनाते हैं। राजा कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पापी वह होता है जो इंसान अपनी औकात से नीचे गिर जाए, अपनी सोच से नीचे गिर जाए, अपनी औकात भूल जाए। प्रिय दर्शकों, और राजा इस बात को सुनाते हैं, सभी मंत्री इस बात को मानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा पापी वही है, क्योंकि पाप करते वक्त हर इंसान यह नहीं देखता कि वह स्त्री है या पुरुष। पाप कोई भी मनुष्य कर सकता है, स्त्री भी पाप कर सकती है और पुरुष भी पाप कर सकता है। इसीलिए सबसे बड़ा पापी वही है जो अपने आचरण को भूल जाए, जो अपने संस्कारों को भूल जाए, जो अपने से नीचा गिर जाए, यानी खुद से नीचा गिर जाए। वही इंसान संसार का सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि ऐसे इंसान को यह पता ही नहीं होता कि वह स्त्री है या पुरुष, वह क्या करने जा रहा है, इस बारे में उसे कुछ पता ही नहीं होता। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्रिय दर्शकों, इस जानकारी से आपको यह समझ